नमस्कार दोस्तों, एसके हाउस प्लान में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने आप सभी के लिए 20 फिट बाई 30 फिट का हाउस प्लान तैयार किया है। आप सभी को मेरा बनाया हुआ हाउस प्लान पसंद आएगा और ये प्लान मैंने वास्तु के अनुसार बनाया है। ये नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान है। फ्रेंड्स, आपको अगर इस प्लान की या हमारे बनाए हुए और किसी प्लान की PDF कॉपी चाहिए तो कमेंट करें या हमारे फेसबुक पेज एसके हाउस प्लान पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं। ये हमने ग्राउंड फ्लोर प्लान तैयार किया है और ये रोड साइड है। इधर 20 फीट वाइड है और यहां पर हमने मेन गेट दिया है और ये हमने पोर्च के लिए स्पेस छोड़ा है 7 फीट बाई 4 फीट का। यहाँ पर हम अपने फ्लावर पॉट्स वगैरह रख सकते हैं और यहाँ से ये लिविंग रूम है। लिविंग रूम का साइज है 11 फिट 10.5 इंच बाई 10 फिट 3 इंच, जिसमें 11 फिट 10.5 इंच ये साइड है और 10 फिट 3 इंच ये साइड है। यहाँ पर हम कॉर्नर सोफा अरेंज किया गया है यहाँ पर, और ये वेंटिलेशन के लिए रोड साइड में हमने विंडो दी है और यहीं से ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए स्टेयरकेस है। ये 3 फीट वाइड है और ये हमारा डाइनिंग कम स्टेयर रहेगा। इसमें 7 फीट 4.5 इंच बाई 8 फीट 9 इंच इसका साइज है और यहाँ पर हम अपनी डाइनिंग टेबल अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे किचन है, ये लेफ्ट साइड में ही किचन 7 फीट 1.5 इंच बाई 10 फीट का है। इसमें 7 फीट 1.5 इंच ये साइड है और 10 फीट ये साइड है। और यहाँ पर हमें वॉश एरिया है, ये 7 फिट 1.5 इंच बाई 4 फिट का। और यहाँ आपने किचन की विंडो दी है इस साइड में और इधर रूम की विंडो दी है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, इसका साइज है 12 फिट बाई 10 फिट का और इसमें 12 फिट ये साइड है और 10 फिट ये साइड है। और इससे अटैच ये टॉयलेट है 6 फिट बाई 4 फिट का। और यहाँ पर हमने ओपन स्पेस दिया है ये 2 फिट 3 इंच बाई 4 फिट का। ये वेंटिलेशन के लिए इसमें दोनों तरफ ये विंडो दी है रूम में। और एक ये कॉमन टॉयलेट है 6 फिट बाई 3 फिट 6 इंच का। दोस्तों, हमने इसे वास्तु के अनुसार नियमों के अनुसार बनाया है। इसमें साउथ ईस्ट में हमने किचन बनाई है। किचन में ईस्ट फेसिंग में खाना बनाना है अगर तो हम ईस्ट फेसिंग की तरफ मुंह करके बना सकते हैं, है ना। इसीलिए हमने यहाँ पर ये गैस स्टोव अरेंज किया है और यहाँ सिंक अरेंज किया है। और साउथ वेस्ट में ये मास्टर बेडरूम है और नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ये टॉयलेट है। टॉयलेट के लिए भी वास्तु के अनुसार सही स्थान है ये। और यहाँ पर हमने वॉश बेसिन दी है। और नॉर्थ ईस्ट में ओपन स्पेस ये छोड़ा है पोर्च का, इधर हल्का भी रहेगा यहाँ पर। और नॉर्थ वेस्ट में ये आने वाले दोस्तों और उनके लिए है स्थान रहेगा, ये हमारा ड्राइंग रूम रहेगा। तो ये वास्तु के नियमों के अनुसार मैंने इसे अरेंज किया है। आप सभी को मेरा ये बनाया हुआ हाउस प्लान पसंद आएगा। आप सभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।